गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 से संबंधित क्वेश्चन नंबर 5 कर चुके थे, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 से संबंधित क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। ध्यान देने पर क्वेश्चन का हेडिंग क्या लिखा गया है, क्वेश्चन का हेडिंग लिखा गया है नीचे दिए गए कुछ भिन्न संख्याओं के गुना के लिए चित्र बनाए गए हैं, प्रत्येक गुना को उसके सही चित्र से मिलान करना है। ठीक है, देखेंगे यहाँ लिखा गया है पहला एक नंबर 3 × 1/5, इसका क्या है जी, आप इससे मिलान करेंगे कि इसके तहत इन ए बी सी और डी में से कौन सी आकृति इसके संख्या के मान के बराबर होगी। यहाँ लिखा गया क्या जी, 3 × 1/5 वाला है, 3 × 1/5 इसका मतलब क्या है, जो आकृति दी गई है इसमें तीन भाग क्या है, रंगा दो भाग है और एक भाग 1/5 क्या है, इसका खाली भाग है। देखेंगे ये जो आकृति एक नंबर है ये डी में जाकर मिलान होगा, कैसे जी, यहाँ देखेंगे जिसको काउंट करने पर पाएंगे इसमें 5 भाग बांटा गया है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5, जिसमें एक भाग क्या है, रंगा हुआ भाग है और शेष 4 क्या है जी, खाली भाग है। और कितना भाग रंगा हुआ है जी, 1 + 2 + 3, यानी 3 भाग रंगा हुआ है और कुल कितना भाग है जी, 5 भाग है, 1, 2, 3, 4, 5। तो लिखा गया है 3 × 1/5, यानी जो रंगा हुआ भाग है, ठीक है, कुल कितना है जी, 3 × यानी कुल का 1/5 भाग है जो रंगा हुआ भाग है। तो इस प्रकार हम पाएंगे कि जो एक नंबर का जो संख्या दिया गया है इसे हम आकृति डी में मिलान करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे दो नंबर दिया गया है 3 × 1/2, 3 × 1/2, इसका मतलब क्या है कि 3 भाग रंगा हुआ है और 1/2 भाग इसके क्या है, यानी 2 भाग मतलब कुल 2 भाग है जिसमें क्या है 3 भाग रंगा हुआ है। जैसे देखेंगे ए नंबर में इसमें 2 आकृति दिया गया, एक रंगा हुआ है एक खाली है, फिर 2 आकृति है, एक रंगा है और एक खाली है, फिर 2 आकृति है, एक रंगा हुआ है और एक खाली है, यानी 1, 2, 3 आकृति क्या है, रंगा हुआ है, तो 3 हो गया। अब कुल कितना करते हैं, 2 आकृति, यानी 1/2 + 1/2 + 1/2। ठीक है, ये कितनी आकृति है जी, 1/2, यानी एक रंगा हुआ है एक खाली है, और कुल कितना रंगा हुआ है जी, तो 1, 2, 3, यानी 3 × 1/2 अर्थात कह सकते हैं जो संख्या 2 नंबर है इसे हम टी में मिलान करेंगे। बचा संख्या 3 नंबर, यानी 2 × 2/3, 2 × 2/3, इसका मतलब क्या है जी, कि 2 भाग रंगा हुआ है। ठीक है, आप देखिए ये कहाँ जाएगा जी, 2 × 2/3, इसमें देखेंगे सी नंबर में क्या है जी, 1, 2, 3 कुल 3 भाग है। ठीक है, इसमें क्या है जी, 2 भाग रंगा हुआ है, कुल कितने भाग है, 3 भाग है, इसमें क्या है, 2 भाग रंगा हुआ है। ठीक है, कैसे मिलान करेंगे 3 का सी में, बचा जो 4, तो ये 4 पे जाएगा बी में, 4 नंबर को मिलान करेंगे हम लोग, तो ये लिखा गया जी 3 × 1/4, यानी 3 भाग रंगा हुआ है। ठीक है, 1, 2, 3 और कुल कितने भाग है जी, 1, 2, 3, 4, यानी टोटल 4 भाग है जिसमें से 3 भाग रंगा हुआ है। ठीक है, 1, 2, 3, क्लियर है, इसे मिलान करेंगे 1 को, सॉरी 4 को मिलान करेंगे इसमें जी बी में, इस प्रकार इसका मिलान सुटेबल हो चुका है। आप लोग इसे समझेंगे और इसे अपने नोटबुक में नोट भी करेंगे। तो आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।